जय सियाराम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी 5:15 के अराउंड, उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया, उसके बाद रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खाए और 5:50 तक पढ़ने के लिए बैठ गई थी। रीजनिंग मेंस का गया सबसे पहले आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया था, थोड़ा बड़ा सा था ये क्वेश्चन, तो मेरे को इसको करने में 25 मिनट्स लग गए थे इस वाली सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने में, क्योंकि अगर जल्दबाजी में करती तो मैं कुछ पक्का गलती कर दी इसमें, तो आराम आराम से बनाया, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद एक पज़ल थी, ये तो बन गई थी मेरे से इजीली, और इसके उसके बाद एक डायरेक्शन बेस्ड कोडेड डायरेक्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बन गया था, उसके बाद कोड भी नोट कर लिए थे। बस ये लास्ट वाला स्टेप मेरे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सर की हेल्प से किया। फिर उसके 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन किए। उसके बाद एक रीजनिंग का क्विज अटैम्प्ट किया था, स्कोर 34 था, 39 अटैम्प्ट किए थे मैंने। 2 क्वेश्चन मेरे प्री के गलत हो गए थे सिली मिस्टेक्स की वजह से, और 2 क्वेश्चन मेरे मेंस के गलत हो गए थे, जिसमें से एक तो क्रिटिकल रीजनिंग का था और एक और गलत किया था मैंने। उसके बाद फिर 5 मिनट किया मैंने प्राणायाम, थोड़ी बहुत करी स्ट्रेचिंग और 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार के लगाए। फिर उसके बाद मैं नहा के रेडियो के 10 बजे के अराउंड बैठ गई थी करंट अफेयर्स का पढ़ने के लिए। आज 27 जून के करंट अफेयर की PDF रीड करी थी और 26 जून के करंट अफेयर की PDF पे बेस्ड टेस्ट दिया था, जिसमें 20 में से 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आज, और 19 में से 1 गलत हुआ था मेरा, तो उसमें मेरा स्कोर था 17.75 out of 20। उसके बाद मैंने क्वांट में मेंस की DI करी थी, हर्षा सर की यूट्यूब वीडियो से करी थी, एक 3 DI की वीडियो थी उसमें, तो 2 DI मैंने उसकी सोल्व कर ली थी। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, तो मैंने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। फिर सो के उठने के बाद मैंने जो उस क्लास की एक DI बज रही थी वो DI कंप्लीट करी। ये DI कंप्लीट करने के बाद मैंने इंग्लिश का गया था, इंग्लिश में परफेक्शन की एक क्लास देखी थी निमिषा मैम से, एडिटोरियल आज आया नहीं था क्योंकि संडे था। और उसके बाद मैंने एक येस मॉक पे ही लाइव मॉक चल रहा था, ईशा ने कहा था कि वो वाला लाइव मॉक दे देना, तो वो मैंने दे तो दिया था, बट उसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग था, उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो बहुत बड़ा आ रहा था, मैंने छोटा करने की ट्राई किया बट हुआ नहीं था वो छोटा। फिर वो बड़े मेरी DI को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें मैंने 55 से 60 के बीच में अटैम्प्ट किए थे मेरे, इसमें स्कोर ये शो नहीं कर रहा था, शायद ये स्कॉलरशिप वाला टेस्ट था, इसमें टॉप 10 बच्चे थे उन्हीं के स्कोर हो रहे थे, तो इसमें ना ही मेरे को स्कोर पता लगा और ना ही मैं इसकी एनालिसिस कर पाई, कुछ ऐसा शो रहा था, इसमें मार्क्स मुक्स कुछ नहीं दिखाई दिए मेरे को। फिर उसके बाद शाम को चली गई थी मैं इवनिंग वॉक पे, और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था। उसके बाद मैंने हर्षल सर की यूट्यूब वीडियो पे जो क्वांट का प्री मेमोरी बेस्ड था पिछले साल वाला, वो क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए थे, 40 क्वेश्चंस थे, वो 40 के 40 क्वेश्चंस सॉल्व किए। और उसके बाद मैंने एक अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चंस की वीडियो थी, वो उस वाली वीडियो में से मैंने 15 क्वेश्चंस किए, क्योंकि जो पेड में आई हुई थी 370 तक वो तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने यूट्यूब से कर लिया। बस इतना ही किया आज, ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट, और आज के मेरे टोटल स्टडी आवर्स थे अप्रोक्स 9 आवर्स।